हेलो एवरी वन वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट स्टूडेंट नाउ टेक आउट योर इंग्लिश बुक सारे बच्चे अपनी इंग्लिश की बुक ओपन कर लेंगे सो लेट स्टार्ट चैप्टर अलेवन में नेक्स्ट पैराग्राफ बेटा पढ़ेंगे स्टार्ट करेंगे देर वाज जस्ट वन थिंग द किंग कुड डू डैट मच वॉच क्रिस्टल क्लियर ही मस्ट पुट दी जीप टू रेस्ट एट वंस ही मस्ट गेट ऑफ हिज Most days, dear. बेटा इसका अर्थ क्या होगा सिर्फ एक चीज थी जिसे राजा कर सकता था क्या कर सकता था वह स्पष्ट था उसने अपनी से छुटकारा पाने के लिए इन जायों को एक बार आराम करने के लिए रखा होगा फिर से देखो इसकी अर्थ देअर वॉज जस्ट वन थिंग द किंग कुछ डू सिर्फ एक चीज़ थी जिसे राजा कर सकता था डेट मच वॉच क्रिस्टल क्लियर वह बहुत अस्पष्ट था ही मस्ट पुट दीज जाइबू रेस्ट एट वंस ही मस्ट गेट राइड ऑफ हिज माउस्टिश डियर वो क्या करता था अपनी मूँछों से उसने अपनी मूछों से छुटकारा पाने के लिए इन जाइबों को एक बार आराम करने के लिए रखा होगा सेव इट ऑफ बारबर डू इट ना इसे बंद करो नाई मीन्स बार बार इसे बंद करो तो क्या कहता है डू इट नाउ अभी करो यहाँ पर रोड द किंग विथ अ वॉइस लाइक थंडर गड़गड़ाहट गर जैसी आवाज के साथ राजा को घूरा कौन नाई क्या कहते हैं गड़गड़ाहट गर जैसी आवाज के साथ राजा को घूरा द बार लॉस नो टाइम द बारबर लॉस नो टाइम है टॉल एंड स्निप डॉप दिश रिमेडर नाइन ने बिना समय गंवाए अपना बिना समय गंवाए और मुँचे हटा ली किसकी राजा की मुँह मीन्स अपना बिना समय गंवाए राजा की मुँह हटा ली तो क्या कहता है द किंग वैन फोर्थ अचेंज मैन फीलिंग इज स्ट्रांग एंड बिग एंड ब्रेव द बारबर मेड हिज वे होम फास्ट ही हैड अ नैरो सेव राजा एक बदले हुए आदमी के रूप में आगे आया मजबूत और बड़ा और बहादुर महसूस कर रहा था राजा एक बड़े हुए आदमी मींस राजा एक बदले हुए आदमी के रूप में आगे आया और मजबूत और बड़ा और बहादुर महसूस कर रहा था नाई ने अपना रास्ता तेज कर दिया वह एक संख धाड़ी दाढ़ी रखा था मीन्स उसने अपना रास्ता क्या कर दिया तेज़ कर दिया मीन्स जो भी उसका काटने वाला था उसने क्या किया तेज़ कर दिया और उसकी दाढ़ी को हटा दिया वह एक संख की दाढ़ी रखता था कौन रखता था बेटा राजा रखता था उसकी दाढ़ी हटा दी नाई ने समझ में आया बेटा तो ये चैप्टर आप इसकी स्टोरी अच्छे से सुनेंगे और पढ़ेंगे ओके क्लास थैंक यू हैव नाइस डे